जय जिने। आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टीग्रेन स्टफ रोटी, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं मक्का, जवारी, चौला, छिलके वाली मूंग की दाल, सूखी हरी मटर, काला चना, सोयाबीन, रागी, ओट्स, काबुली चना। इन सब के साथ में डबल लिया है गेहूं। और स्टफ्ड करने के लिए है पनीर, कसूरी मेथी, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, सफेद तिल्ली, काली तिल्ली, सौंफ। इन सबको पनीर को क्रश करके उसमें इन सबको बारीक चॉप्ड करके इन सबको मिला के हम एक बॉल बनाएंगे। इन सबका आटा लिया है और ये है पनीर का पानी। अब इसको नमक डाल के उसन लेंगे। स्टफिंग को मैश करके उसमें नमक डाल के मैंने एक बाउल बना लिया है। आटे की लोई बनाएंगे गोल, उसको स्टफिंग भरने के लिए थोड़ा सा हाथों से गोल घुमा लेंगे। अब उसमें स्टफिंग भरेंगे, भर के उसको थोड़ा सा दबाते हुए गोल करते हुए उसका वापस लोया बना लेंगे। अब उसको चकले में बेलन से बेल लेंगे। अब रोटी को पहले से गरम किए हुए तवे में मीडियम आंच में डालेंगे। उसको पलट के अब दबा दबा के करारा सेकेंगे दोनों तरफ से। अब उसको प्लेट में निकाल के उसमें घर का मक्खन बीच में रख के उसको दोनों हाथों से क्रश करें। इस रोटी का मजा आप सब्जी, चटनी, अचार किसी भी तरह से खा सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।